फिल्मी टॉक के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बात करें आज की सबसे बड़ी खबर की तो कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स को लेकर एक बड़ी अपडेट है। आपको बता दें कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि डायरेक्टर नागार्जुन ने इस सिनेमैटिक यूनिवर्स की आने वाली दूसरी फिल्म की शूटिंग लगभग 60% कम्प्लीट कर ली है और कुछ इम्पोर्टेंट पोर्शन की शूटिंग बाकी है जिसे मेकर्स आने वाले समय में कम्प्लीट करेंगे। अभी तक इस सिनेमैटिक यूनिवर्स की आने वाली फिल्मों के टाइटल को अनाउंस नहीं किया गया है, पर कहा जा रहा है कि आने वाले समय में हमें इस सिनेमैटिक यूनिवर्स को लेकर कई बड़ी अपडेट देखने को मिलेंगी। तो देखना होगा कि कल्कि के मेकर्स द्वारा कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स और इसमें आने वाली फिल्मों को लेकर बाकी अपडेट कब तक दी जाती है। वैसे क्या आपने प्रभास की फिल्म कल्कि 2898 AD को देख लिया है, और अगर देख लिया है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। पॉइंट ये है कि मैं ही हूँ जो उसे ला सकता हूँ। इतना श्योर है? रिकॉर्ड चेक कर रहा हूँ, मैं आज तक एक फाइट नहीं आ रहा। तो जैसा कि हमने फिल्म टॉक के वीडियो में बताया था कि वरुण धवन एक बार फिर से डायरेक्टर डेविड धवन के साथ एक कॉमेडी फिल्म के ऊपर काम करने वाले हैं जिसे प्रोड्यूसर रमेश तुरानी प्रोड्यूस करेंगे। तो अब इस फिल्म को लेकर कहा जा रहा है कि मेकर्स ने इस फिल्म में फीमेल लीड के लिए मृणाल ठाकुर और श्री लीला को कास्ट कर लिया है, और वहीं मनीष पॉल एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर में देखने को मिलेंगे। आपको बता दें वरुण धवन की ये फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसमें हमें लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा, और वहीं डायरेक्टर डेविड धवन इस फिल्म की शूटिंग जुलाई 2024 से स्टार्ट करेंगे, और वरुण धवन की ये फिल्म हमें 2 अक्टूबर 2025 में सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। कमल हसन की आने वाली फिल्म ठग लाइफ में रोहित श्रॉफ को एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर में कास्ट कर लिया गया है। आपको बता दें कमल हसन की ये फिल्म एक गैंगस्टर ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्टर मणिरत्नम डायरेक्ट कर रहे हैं, और वहीं इस फिल्म में हमें कमल हसन के साथ त्रिशा, जोजो जॉर्ज, गौतम कार्तिक और एसटीआर लीड रोल में देखने को मिलेंगे। और वहीं कहा जा रहा है कि डायरेक्टर मणिरत्नम इस फिल्म की शूटिंग अगस्त 2024 तक कम्प्लीट कर लेंगे, और कमल हसन की ये फिल्म हमें दिसंबर 2024 तक सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। ऑफिशियल तो नहीं है, तो देखना होगा कि ठग लाइफ की रिलीज डेट को लेकर मेकर्स द्वारा ऑफिशियल अपडेट कब तक आती है। सनी देओल की आने वाली पैन इंडिया फिल्म SDGM से एक बड़ी अपडेट है। आपको बता दें पिंक विलन ने पोस्ट शेयर करते हुए बताया है कि सनी देओल की इस फिल्म का टाइटल जट होने वाला है। ऑफिशियल तो नहीं है, तो देखना होगा कि इस फिल्म के टाइटल को लेकर मेकर्स द्वारा ऑफिशियल अपडेट कब तक आती है। आपको बता दें सनी देओल की ये फिल्म एक बड़ी एक्शन एंटरटेनर फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्टर गोपीचंद मलिनेनी डायरेक्ट कर रहे हैं, और वहीं इस फिल्म में हमें सनी देओल के साथ सयामी खेर और रेगिना कैसेंड्रा लीड रोल में देखने को मिलेंगी। और वहीं कहा जा रहा है कि मेकर्स इस फिल्म की शूटिंग सितंबर 2024 तक कंप्लीट कर लेंगे, और सनी देओल की ये पैन इंडिया फिल्म हमें 2025 में सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। राम पोतनेनी की आने वाली फिल्म डबल स्मार्ट से मेकर्स ने ये पोस्टर शेयर करते हुए बताया है कि डबल स्मार्ट का पहला सिंगल जिसका टाइटल है स्टेपा मार 1 जुलाई 2024 को रिलीज किया जाएगा। आपको बता दें राम पोतनेनी की ये फिल्म 2018 में आई फिल्म स्मार्ट शंकर का सिक्वल है जिसे डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने डायरेक्ट किया है, और वहीं इस फिल्म में हमें राम पोतनेनी के साथ संजय दत्त लीड रोल में देखने को मिलेंगे, और राम पोतनेनी की ये फिल्म हमें 15 अगस्त 2024 को तेलुगु के साथ हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में देखने को मिलेगी। ध्रुव विक्रम की आने वाली फिल्म बाइसन से मेकर्स ने पोस्टर शेयर करते हुए बताया है कि बाइसन के पहले शेड्यूल की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आपको बता दें बाइसन एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्टर मारी सलवाराज डायरेक्ट कर रहे हैं, और वहीं इस फिल्म में हमें ध्रुव विक्रम के साथ अनुपमा परमेश्वरम लीड रोल में देखने को मिलेंगी। हॉटस्टार स्पेशल की मच अवेटेड सीरीज शो टाइम के दूसरे पार्ट के ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया है। आपको बता दें शो टाइम एक ड्रामा थ्रिलर सीरीज है जिसमें हमें फिल्म इंडस्ट्री के डार्क साइड को दिखाया जाएगा, और वहीं सीरीज में हमें इमरान हाशमी के साथ नसीरुद्दीन शाह, महिमा मकवाना, श्रेया सरन, मौनी रॉय और विजय राज जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे, और शो टाइम का दूसरा पार्ट हमें 12 जुलाई 2024 से हॉटस्टार में देखने को मिलेगा। बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो कल्कि 2898 AD ने अपने रिलीज के दो दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 298 करोड़ 50 लाख रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है, और वहीं बात करें ट्रेड द्वारा बताए गए कलेक्शन की तो कल्कि 2898 AD ने अपने रिलीज के दूसरे दिन में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तेलुगु वर्जन से 28 करोड़ 85 लाख रुपए, हिंदी वर्जन से 23 करोड़ रुपए, तमिल वर्जन से 3 करोड़ 30 लाख रुपए, मलयालम वर्जन से 2 करोड़ 10 लाख रुपए और कन्नड़ा वर्जन से 35 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। और इसी के साथ कल्कि 2898 AD ने दो दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 152 करोड़ 90 लाख रुपए का नेट कलेक्शन और 182 करोड़ 50 लाख रुपए का ग्रॉस कलेक्शन
कलेक्शन किया है और इसी के साथ इस फिल्म ने दो दिनों में ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर 85 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। और वहीं कल की 2898 एडी ने दो दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 267 करोड़ 50 लाख रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। तो देखना होगा कि प्रभास की फिल्म कल की 2898 एडी का सैटरडे और संडे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको फिल्मों से जुड़ी छोटी मोटी अपडेट जाननी हो तो आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।